नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर में कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए पुराने कलेक्ट्रेट में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम को किया गया स्थापित। 24 घंटे कर्मचारी कर रहे हैं ड्यूटी। 17 ऑक्सीजन प्लांट है क्रियाशील। हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए है तैयार। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। गोरखपुर जिला जेल का जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी व जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने संयुक्त रूप से किया निरीक्षण। जेल में बंद बंदियों की जानी समस्या। जेल के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में शाहपुर थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी फरियाद। पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर मौके का निरीक्षण कर समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। अवैध देसी तमंचे से फायर कर हत्या का प्रयास करने के आरोप में दो अभियुक्तों अजीत सिंह व संजय सिंह को बेलघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक फायर शुदा कारतूस को किया बरामद, भेजा जेल। रविवार को क्रिसमस की तैयारियों को लेकर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह व एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने चर्च के फादरों के साथ की बैठक। जाना उनकी समस्या। नगर निगम के अधिकारियों को सभी चर्चों का साफ सफाई के दिए निर्देश। भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन मॉरिसस की चेयरमैन एवं मॉरिसस के पूर्व उप प्रधानमंत्री हरीश बुधू की पत्नी डॉक्टर सरिता बुधू ने किया बाबा गोरखनाथ का दर्शन पूजन। कहा, गोरखनाथ जी का दर्शन कर उन्हें मिलती है बहुत ऊर्जा। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में एसजेपीयू और एएसटीयू की मासिक समीक्षा बैठक हुई संपन्न। एसपी क्राइम ने कहा, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा जारी विभिन्न एसओपी पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर उसे पालन करने के दिए दिशा निर्देश। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कैंट पुलिस के साथ सचिव मॉल सहित महानगर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का किया निरीक्षण। लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। सर्दी बढ़ने के साथ ही सरकारी व निजी अस्पतालों में बढ़ने लगी है मरीजों की संख्या। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा, जहां ठंड के मौसम में बीपी बढ़ने की वजह से बढ़ गया है ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, वहीं बच्चे भी निमोनिया और कोल्ड डायरिया के होने लगे हैं शिकार। क्रिसमस को लेकर है जश्न का माहौल। 25 दिसंबर को पूरे देश में मनाया जाएगा क्रिसमस का पर्व। सेंट जोसेफ चर्च के फादर बेनी ने कहा, 24 दिसंबर की रात के 12 बजते ही गिरजाघरों में प्रभु के आगमन की खुशी में की जाती है विशेष प्रार्थना का आयोजन। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष एवं महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने कहा, प्रदेश के सभी 18 मंडलों की टीमों के 600 खिलाड़ी कर रहे हैं प्रतिभाग। अब खबरें विस्तार से। जनपद में कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुराने कलेक्ट्री में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को स्थापित किया गया है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि कोविड से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हम लोग जागरूकता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि लोग बिना जरूरत के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ना जाएं। यदि वह जाते भी हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क पहने और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करें। इसके अलावा 17 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील है। कोविड अस्पताल को भी अलर्ट पर रखा गया है, जिससे यदि कोई मरीज मिलता है भी तो उसके इलाज के लिए कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा, लोगों की सुविधा के लिए कोविड कमांड सेंटर को स्थापित किया गया है। वहां पर अधिकारी व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक गोरखपुर में किसी तरह का मरीज नहीं मिला है, लेकिन तैयारी पूरी है। इसके अलावा हम लोग बूस्टर डोज लगवाने पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह तथा उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल ने कहा। बताइए
बना दे दी आप यहाँ आओ बैठिए मैम उसी विराजमान तो ये आई है महिला हॉस्पिटल में आई है तो इनको बताया गया है कि बूस्टर डोज खत्म हो गया है और लग नहीं पाएगा यहाँ पे कोई कर्मचारी भी तो वो ऑनलाइन बुकिंग की थी तो वो ये कह रही है कि हम आए हैं और हमें लग नहीं रहा यहाँ कोई कर्मचारी भी नहीं क्या तो सुनीता पटेल डिप्टी डीएचआई किस तरह से कोविड कमांड सेंटर यहाँ पे कार्य कर रहा है। कोविड कमांड सेंटर पूर्व की भांति ही फिर से तैयार हो गया है और अब सारे डॉक्टर जो पहले हेल्प डेस्क पे काम कर रहे थे जिनकी ज़रूरत है उनको बुला रहे हैं हम लोग। आदेश बन गया है मैडम एयरपोर्ट तो भी चेकिंग चालू हो गई है जो बात है आपके यहाँ। हाँ आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा आदेश हुआ है एयरपोर्ट पे भी जैसे सैंपलिंग हो रही है और कोविड सैंपलिंग और बस स्टेशन रेलवे स्टेशन के लिए भी ड्यूटी लग चुकी है और सीएमओ ऑफिस से और यहाँ कोविड कमांड सेंटर से दोनों तरफ से तैयारियाँ सुनिश्चित हो गई है कि हम लोग कोविड का केस थोड़ा भी बढ़ता है तो हम लोग उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर किसी तरह कोई समस्या तो क्या यहाँ पे कोई नंबर भी जारी किया जाएगा? यहाँ पे कोविड हेल्प डेस्क जो पहले से चल रहा है वो 24 घंटे क्रियाशील रहता है वो कभी बंद नहीं हुआ है। अभी वहाँ से जैसे हेल्प डेस्क पे स्टाफ प्रॉपर 24 घंटे काम कर रहे हैं और वहाँ हेल्प डेस्क पे और भी स्टाफ बढ़ाएंगे हम लोग और हेल्प डेस्क का नंबर हमेशा बराबर जारी होता है। यहाँ पे 4 नंबर है जो मीडिया में हम लोग बराबर देते रहते हैं। कंट्रोल रूम किस तरह से कार्य कर रहा है? कोविड के संबंध में अभी शासन की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई हुई हैं, एक एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है तो उसके लिए हम लोग पब्लिक को जागरूक करेंगे कि जो भी बाहर निकले तो मास्क धारण करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें क्योंकि ये सभी को पता है कि 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी कोरोना से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कंट्रोल रूम हमारा इफेक्टिव तरीके से चालू हो गया है और उसमें काम करेगा 24 घंटे हम डे टू डे ड्यूटियाँ लगा रहे हैं और कहीं भी कोविड को लेकर कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहा है और इस आने वाली आपदा की जो संभावना व्यक्त की जा रही है उसके लिए हम पूरे अपनी तैयारी पूरी रख रहे हैं। सर कुछ नंबर भी जारी किया है वो नंबर जारी किया जाएगा हमारी तरफ से और उसको हम मीडिया के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराएंगे। इन फोकस अवेयरनेस पे है ताकि लोगों को मैक्सिमम जागरूकता हो इसमें आप लोगों से भी अनुरोध है कि मैक्सिमम लोगों को जागरूक करें कि अनावश्यक भीड़ वाली जगह पे ना जाएं और अगर जाएं भी तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें मास्क पहने सैनिटाइजर्स यूज़ करें। इसके अतिरिक्त जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग चेक करा रहे हैं जैसे जितने ऑक्सीजन प्लांट्स हैं कॉन्सनट्रेटर्स हैं जो पहले बने हुए अराउंड 57 हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड टेस्ट फैसिलिटीज़ है उसको हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि अगर किसी तरह की विपदा आती है तो उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार रहें। सर कंट्रोल रूम को भी चालू कर रहे हैं? हाँ हाँ उसके लिए भी जो IEEE है उसको भी हम लोग तैयार करा रहे हैं। जितने भी अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात कर दी गई है और
इसको फॉलोअप करके इनफैक्ट अभी पिछले 20 दिन से तो कोई केस नहीं आया है, लेकिन तैयारी हमें करना है और बूस्टर डोज पे फोकस करना है, क्योंकि बूस्टर डोज का परसेंटेज, वैक्सीनेशन तो नियर अबाउट 100% है जनपद का, बूस्टर डोज हम लोग का एक प्रायोरिटी है, एटलीस्ट उसको वो हम लोग 100% करा लें ताकि लोग आने वाले वेव के लिए तैयार रहें। थैंक यू। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी व जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने संयुक्त रूप से जिला जेल का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि हर 3 महीने पर जेल का निरीक्षण किया जाता है, जिसको देखते हुए शनिवार को जेल का निरीक्षण किया गया है। इसमें यह देखा जाता है कि जेल में कोई नाबालिग बच्चा बंद ना हो, कैदियों को किसी तरह की समस्या तो नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड को देखते हुए जेल में भी सतर्कता बरती जा रही है, सभी लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने का निर्देश दिया गया है, मास्क पहनने के लिए भी कहा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, ये जनरली हर 3 महीना में एक रेगुलर इंस्पेक्शन होते हैं, इसके अलावा औचक निरीक्षण भी होता है। तो बेसिकली उसमें वही देखा जाता है कि अगर बच्चा तो बंद नहीं है अंडर जुवेनाइल एक्ट, या किसी प्रकार की जेल में अन्य तरह की समस्या तो नहीं है, तो वो सब पूछा जाता है। बाकी अभी चूँकि कोविड नॉर्म्स के तहत हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं, तो जेल में भी उस तरह का इन्वायरमेंट रहे ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग अपना देखें, मास्क पहने, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को सेंसिटाइज किया गया है एंड इस पर रेगुलर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में शाहपुर थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जन समस्याओं के निस्तारण के लिए पूरे प्रदेश के थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसको देखते हुए शाहपुर थाने के थाना समाधान दिवस में भाग लिया है। यहाँ पर नागरिकों के द्वारा जो भी समस्याएं बताई गई है उसमें अधिकतर मामले भूमि विवाद से संबंधित आए थे, जिसको देखते हुए पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर मौके का निरीक्षण करके जांच करने के लिए निर्देश दिया गया है। कुछ समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी के द्वारा जमीन कब्जा किया जा रहा है, अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वह मौके पर जाकर निरीक्षण करके समस्याओं का पुलिस व राजस्व टीम के साथ मिलकर निस्तारण करे, जिससे कि फरियादियों को त्वरित न्याय मिल सके और उनको मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। इस अवसर पर तहसीलदार सदर विकास सिंह, शाहपुर थाना प्रभारी मधुपनाथ मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी व फरियादी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, घर के बाहर पति भी नहीं रह रहा है साथ में, तो हम लोग जबरदस्ती पाने के लिए हैं भाई, जबरदस्ती नहीं मिल पाएगी, छोड़ दिए अच्छा हम बताए तभी चौकी चार्ज क्या है ना। इंस्पेक्टर कैंट बोल रहा हूँ, जैन ठीक है अपना बना रहे हैं, उसका 120 फुट रोड रोड का था, लिखा था रोड, इन्हीं का ही बनोई का है, तो मदद
हाँ समझा देना कि भाई नहीं तो तुम जाके नापी कराओ कि पर्ची को बोल नाम नहीं डाला जा रहा तो भाई तहरीर में भी बेचते क्या लिखे सात सौ का नाम नहीं लिखे तो मैं कहा था ना फोन किया था कि जाके सीओ साहब के यहाँ से वापस कराओ सीओ साहब के यहाँ एप्लीकेशन दो इस तरह से बेचना में हमारे जो हमने बताया था हमारा बयान यहाँ गैस में क्या भरा जाएगा जिसका जिसका जो वाला खाले संस्था और ग्रामीण का जहाँ जहाँ लगना लगा देना जगह पत्रवा दूंगी आप ठीक है आप अपनी ताकत अपना अप्रोच सिटी मजिस्ट्रेट सर के यहाँ लगाएं कि मुझे मजिस्ट्रेट मिल जाए या आप चले चले देखूँ और अपना जो अभी तक जान रहा हूँ ये पक्ष मजबूत है लिखा पढ़ी में लेकिन अब ये पक्ष देख रहा है कि मेरा उतना लिखा पढ़ी मजबूत नहीं है तो अब दूसरे एंगल से घूम रहा है या तो एक तरीका ये है कि एक तो इसी प्रक्रिया उसी बात महसूस करके कर दिया होगा उसका वजह कहना है हाँ तो आप ये परशुराम मौर्य ओके हो गए तब क्या है आप बताइए तब नहीं तो अब जैसे इसका दो और इनका दो उन्होंने कुसुम रिपोर्ट ये आ गया फिर हमने जमीन ये चलिए वो हो गया जो चीज जो हम लोग जमीन इन्होंने जमीन नंबर के पीछे हमारे एक है ये 280 है यही नंबर है ये नंबर है अरे वो तेरी की सगी बहनों ने और इन्होंने भी इतना सब्जी से बचता है नाली के पास मतलब इस ये वाली जो लाइन है इससे इधर तो जो इनका बनता है जो इन्होंने कब्जा किया आपने इसमें लिखा पड़ी रिपोर्ट दी है आपने क्या ट्रैक्टर बैठा था खुले के चल नहीं सका था तो लड़का पति उसका पति मतलब सब बोला ठीक कर रही थी महीना तक की है जब चलने लायक हो गया है फिर तारीख पर कोई नहीं जा रहा है समझ जाएगी वो के सूट जाएगा समझ जाएगी बात है उस पर देखिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जन समस्याओं के निस्तारण हेतु संपूर्ण समाधान दिवस थाना दिवस का आयोजन पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में किया जाता है आज उसी के उपलक्ष्य में हम और डीएम साहब थाना शाहपुर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं यहाँ पर जो भी समस्याएं जनता के द्वारा दी गई हैं जिनमें विशेष रूप से जमीन संबंधी विवाद हैं उनकी जो प्रार्थना पत्र आए हैं उसको पूरा समझ करके उसमें ज्वाइंट टीम्स बना करके राजस्व और पुलिस की ज्वाइंट टीम को मौके का मुआयना करने के लिए मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं जिन समस्याओं का निस्तारण तत्काल हो सकता है उसमें निस्तारण करने के बाद उसकी अनुपालन आख्या के बारे में भी निर्देश दिए गए यदि किसी के द्वारा जमीन कब्जा किया जा रहा है या अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं समस्याओं को लोअर लेवल पर ग्राउंड लेवल पर जिस तरह का समन्वय जिला स्तरीय अधिकारियों के बीच में होता है उसी तरह का समन्वय ग्राउंड लेवल पर हमारे जो राजस्व के अधिकारी हैं और जो पुलिस के अधिकारी हैं ज्वाइंटली ये विजिट करें जो भी समस्या इनके सामने आती है उसका त्वरित निस्तारण कर दें जिससे कि प्रार्थियों को न्याय जो है या उनकी जो समस्या का समाधान होना है वो ग्राउंड पर और लोअर लेवल पर ही मिल जाए जिस कारण से उनको उच्च अधिकारियों के पास या अन्य जगह पर ना भटकना पड़े
यही सब निर्देश दिए गए हैं। मुझे पूरी आशा है कि जिस मंशा से ये संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है उसको हमारे अधिकारियों के प्रयासों से उसको सफल बनाया जाएगा। इसको लेकर जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर क्या निर्णय? देखिए, जो भी समस्याएं पुलिस को प्रशासन को जमीन संबंधी आई हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करने, नियमानुसार कार्रवाई करने और मेरिट के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जितने भी हमारे यहाँ पर FIRs लिखी जाती हैं उनका साक्ष्य के आधार पर, उनका मेडिकल के आधार पर और अन्य चीज़ों के आधार पर त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। बेलघाट थाने की पुलिस ने अवैध देसी तमंचे से फायर कर हत्या का प्रयास करने के आरोप में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान अजीत सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम कुआं थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर, दूसरा संजय सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी गण ग्राम कुआं थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, दो फायरशुदा कारतूस को बरामद किया गया है। SP साउथ ने बताया कि थाना बेलघाट क्षेत्र के ग्राम कुआं में दो सगे भाई संजय सिंह व अजीत सिंह पुत्रगण गुलाब सिंह द्वारा अपने पचीदार पर अवैध देसी तमंचे से जान से मारने की नियत से दो राउंड फायर किया गया, जिसमें जान माल की कोई क्षति नहीं हुई। पीड़ित की सूचना पर थाना बेलघाट की पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर वादी के निशानदेही पर घटनास्थल के पास से दो फायरशुदा खोखा कारतूस को बरामद किया गया एवं टीम बनाकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बेलघाट थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह, कुरी बाजार चौकी प्रभारी सुधीर कुमार, कांस्टेबल दीपक यादव, जितेंद्र यादव, अखंड प्रताप सिंह, चंद्रमा सिंह यादव, विकास बाबू शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, 23 दिसंबर 2022 की रात्रि में थाना क्षेत्र बेलघाट जनपद गोरखपुर के गांव कुआं में दो भाइयों संजय व अजीत ने अपने पटीदार धीरेन्द्र के ऊपर रात्रि में फायर किया। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। आज बेलघाट पुलिस ने नामित दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। ADM सिटी विनीत कुमार सिंह व SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने रविवार को क्रिसमस की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस में चर्च के फादर के साथ बैठक की, जिसके संबंध में ADM सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि क्रिसमस की तैयारियों को लेकर चर्च के फादर के साथ बैठक की गई है और उनसे जानकारी ली गई है कि उनको प्रशासन की तरफ से किस तरह का सहयोग चाहिए। रविवार को क्रिसमस पर भीड़ भाड़ को देखते हुए सभी चर्च पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। नगर निगम की तरफ से सभी चर्चों की साफ सफाई करवाया जाएगा एवं हर तरह की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, क्रिसमस को लेकर आज सभी महत्वपूर्ण चर्चों के जो फादर हैं उनसे बैठक की गई थी और इसमें मूल रूप से उनको हमारी तरफ से प्रशासन की तरफ से किस तरह का सहयोग चाहिए उसके संबंध में बातचीत की गई। पुलिस की व्यवस्था भीड़ भाड़ को देखते हुए हम लोगों ने ड्यूटियां लगा दी हैं। नगर निगम की तरफ से जो भी महत्वपूर्ण चर्च हैं जहाँ पर अधिक संख्या में श्रद्धालु आएंगे वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है और उनकी समस्याएं भी पूछी गई, जिसके लिए लोग तत्पर हैं कि उसका समाधान तत्काल कराएंगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर में कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए पुराने कलेक्ट्रेट में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम को किया गया स्थापित। 24 घंटे कर्मचारी कर रहे हैं ड्यूटी। 17 ऑक्सीजन प्लांट है क्रियाशील। हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए है तैयार। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। गोरखपुर जिला जेल का जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी व जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने संयुक्त रूप से किया निरीक्षण। जेल में बंद बंदियों की जानी समस्या। जेल के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में शाहपुर थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी फरियाद। पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर मौके का निरीक्षण कर समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। अवैध
देसी तमंचे से फायर कर हत्या का प्रयास करने के आरोप में दो अभियुक्तों अजीत सिंह व संजय सिंह को बेलघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तारी। का वैध देसी तमंचा एक जिंदा कारतूस एक फायर शुदा कारतूस को किया बरामद भेजा जेल। रविवार को क्रिसमस की तैयारियों को लेकर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह व एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने चर्च के फादरों के साथ की बैठक। जाना उनकी समस्या, नगर निगम के अधिकारियों को सभी चर्चों का साफ सफाई के दिए निर्देश। भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन मॉरिसस की चेयरमैन एवं मॉरिसस के पूर्व उप प्रधानमंत्री हरीश बुधू की पत्नी डॉक्टर सरिता बुधू ने किया बाबा गोरखनाथ का दर्शन पूजन। कहा, गोरखनाथ जी का दर्शन कर उन्हें मिलती है बहुत ऊर्जा। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में एसजेपीयू और एएसटीयू की मासिक समीक्षा बैठक हुई संपन्न। एसपी क्राइम ने कहा, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा जारी विभिन्न एसओपी पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर उसे पालन करने के दिए दिशा निर्देश। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कैंट पुलिस के साथ सचिव मॉल सहित महानगर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का किया निरीक्षण, लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। सर्दी बढ़ने के साथ ही सरकारी व निजी अस्पतालों में बढ़ने लगी है मरीजों की संख्या। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा, जहां ठंड के मौसम में बीपी बढ़ने की वजह से बढ़ गया है ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, वहीं बच्चे भी निमोनिया और कोल्ड डायरिया के होने लगे हैं शिकार। क्रिसमस को लेकर है जश्न का माहौल। 25 दिसंबर को पूरे देश में मनाया जाएगा क्रिसमस का पर्व। सेंट जोसेफ चर्च के फादर बेनी ने कहा, 24 दिसंबर की रात के 12 बजते ही गिरजाघरों में प्रभु के आगमन की खुशी में की जाती है विशेष प्रार्थना का आयोजन। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष एवं महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी आले हैदर ने कहा, प्रदेश के सभी 18 मंडलों की टीमों के 600 खिलाड़ी कर रहे हैं प्रतिभाग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन मॉरिसस के चेयरमैन एवं मॉरिसस के पूर्व उप प्रधानमंत्री हरीश बुधू की पत्नी डॉक्टर सरिता बुधू जी ने गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया तथा प्रसाद ग्रहण किया। इसके पूर्व गोरखनाथ मंदिर में मंदिर के द्वारिका तिवारी वीरेंद्र सिंह, योगी सोमनाथ, विनय गौतम, दिव्य कुमार सिंह ने स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर डॉक्टर सरिता बुधू ने कहा कि जब भी गोरखपुर आने का अवसर मिला है तब वह गोरखनाथ मंदिर आती हैं। गोरखनाथ जी का दर्शन कर उन्हें बहुत ऊर्जा मिली है, उन्हें आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि नवंबर 2017 में योगी आदित्यनाथ जी का आगमन मॉरिसस में हुआ था तो उन्हें ही स्वागत की जिम्मेदारी मिली थी और उसे बखूबी निभाया था। योगी जी ने उन्हें भोजपुरी साहित्य भी उपलब्ध कराया था। उन्होंने मंदिर कार्यालय के प्रति धन्यवाद दिया। मैं डॉक्टर मिसेस सरिता बुजू, चेयरपर्सन भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज मॉरिशस के, मैं यहाँ पर गोरखपुर आई हुई हूँ। मैं जब जब आती हूँ गोरखपुर तो मुझे गोरखनाथ जी के मंदिर आना बहुत ही अवश्य है। होटल से मैं बैठी हुई थी वहाँ, रात को आई, रात को मुझे रात भर यहाँ का वाइब्रेशंस मिला। और फिर जब राकेश जी ने मेरा विजिट यहाँ पर तैयार किया, आते ही मुझे वैसा वो वाइब्रेशंस मुझे मिले चारों तरफ। और यहाँ खासकर योगी आदित्यनाथ जी के मुख्य ऑफिस में मैं बैठी हुई हूँ तो वो मैं उस ऊर्जा से भरी हुई हूँ। और सोमनाथ जी, योगी जी, आप लोग सब मेरे बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया यहाँ। योगी जी मॉरिशस आए हुए थे 2017 में, वो 2 नवंबर का जो हमारे पूर्वजों का आगमन दिन है उसमें वो मुख्य अतिथि थे मॉरिशस सरकार के। श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ जी ने उनको, उनके पिताजी श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी ने स्वागत किया था। और उनके लिए मुझे कहा गया था मंत्रालय से कि एक भव्य भोजपुरी में कार्यक्रम उनके लिए मैं तैयार करूँ।
और भोजपुरी गांव उनको दिखाए, तो वो सब हो गया था। वो बहुत प्रसन्न हुए थे और मेरे लिए अनेक भोजपुरी पुस्तकें लाए थे और उनसे बातचीत भी हुई थी। तो यहाँ आकर के मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह के अध्यक्षता में पुलिस लाइन व्हाइट हाउस सभागार में SJPU और ASTU की मासिक समीक्षा बैठक की गई, जिसके संबंध में SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी विभिन्न SOP अनुसंधान एवं अभियोजन, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, पीड़िता के आवासन, बाल श्रम और भिक्षावृत्ति की रोकथाम, PT ऑफेंस और प्राप्त निर्देशों के संबंध में कार्यवाही, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन, पाक्सो एक्ट के मुकदमे पंजीकृत करते समय कार्यवाही, रेस्क्यू किए बालकों के पुनर्वास के संबंध में चर्चा और बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा निर्देश का पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर बाल कल्याण जयप्रकाश आर्य, अरुण कुमार राव, अभियोजन अधिकारी राजेश मल, न्याय विभाग, चिकित्सा विभाग, श्रम विभाग के श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री धीरज सिंह, विजय कुमार गुप्ता, शिक्षा विभाग के ADIS श्री किरण कुमार, यूनिसेफ से ब्रजेश सिंह एवं चाइल्ड लाइन शेल्टर होम स्नेहालय सेफ सोसाइटी डॉक्टर मुमताज खान, मानव सेवा संस्थान के निदेशक राजेश मणि प्रभारी, निरीक्षक थाना ASTU शिव कुमार शंकर चौबे, उप निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता, थाना ASTU व सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, रिपोर्ट हुआ CWS में, कितने रिपोर्ट क्रॉस चेक कर ली, कहाँ से नहीं हुआ रिपोर्ट? ठीक है, अभी एक्चुअली प्रॉब्लम हमको नहीं है, प्रॉब्लम CWC की है कि इनको जवाब नहीं है इनकी हैंड ऑफ में। पिछले कई मीटिंग में आपने हर बार यहाँ पे चर्चा की है कि जब भी इस बैठक में तो जो 500 के केसेज रजिस्टर हुए उनकी सूची लेके आए कि जो भी आपको भी तुरंत भेज दीजिए, इसलिए तो उन्होंने बताया उनको कुशीनगर में CWC ने एक फॉर्मेट डेवलप किया है और वो फॉर्मेट अपने कुशीनगर के नंबर के साथ इतने पॉक्सो रिपोर्ट हुए हैं और फिर CWC नहीं, तो ये तो पर डे मतलब ये तो विद इन 24 आवर आना चाहिए ना, वो तो होना चाहिए, बट जस्ट टू डू द क्रॉस चेक कि कितने आए और एक आध अगर है कि आप सभी आपके पास रिपोर्ट हो रही है ना, इनमें से आप CWC को इंफॉर्मेशन दोगे हमें आप कहना ना, मुझे इसी में जी अगले दिन में शक्ल दिखाते हो बीच के भी बहुत से बीच के लिए सर नहीं आ रहे हैं क्योंकि फिर हम भी हो जाते हैं यहाँ से, मैंने बोला ना जैसे मैंने बताया 572 अरे 572 पर यहाँ थोड़ी रहता है यहाँ से बस। जो SJPU और ASTU की जो मासिक समीक्षा बैठक होती है आज उस संबंध में ये मीटिंग आयोजित की गई थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, इसमें लेबर डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, जिला कारागार, SSB, DPRO, बेसिक शिक्षा, ये सभी तरह के डिपार्टमेंट्स और इसमें जो हमारे शेल्टर होम्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं। इसमें हम जो बच्चे हैं जिनको हम रिकवर करते हैं सड़क से ढाबे से उनको किस तरह से रिहैबिलिटेट किया जाए, किस तरह से उनके पेरेंट्स को हम इकोनॉमिकली समर्थ बनाएं ताकि वह बच्चे पुनः उन ढाबों पे उन सड़क पे नज़र ना आए, इस संबंध में हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं ऐसे संवर्ग को एड्रेस करते हुए लाई गई हैं उन योजनाओं पर चर्चा की गई और इस पर चर्चा की कैसे हम इन बच्चों को इन योजनाओं से जोड़ें ताकि इन बच्चों का एक रिहैबिलिटेशन हो सके और वो दोबारा सड़क पे नज़र ना आए। हाँ, इसमें कुछ NGOs आए हैं, इसमें एक सेफ सोसाइटी का एक संस्था है वो भी आ रही है और भी इसमें मुद्दे हैं जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमारे ये बेसिक ये है कि हम कैसे इन बच्चों को विभिन्न स्कीमों से जोड़ें जो सरकार की स्कीमें हैं और कैसे इनके पेरेंट्स को हम इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेनिंग बनाएं ताकि ये अपने बच्चों को काम करने के लिए ढाबों पे ना भेजें बल्कि जो सरकारी स्कीमें हैं उनके तहत उनको स्कूलों में भेजें और उनका लाभ उठाएं ताकि वो एक बेहतर भविष्य पा सकें। CO कैंट योगेंद्र सिंह ने कैंट पुलिस के साथ
क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सिटी मॉल सहित महानगर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि क्रिसमस को देखते हुए भीड़ भाड़ वाले इलाके सिटी मॉल का निरीक्षण किया गया है और महानगर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों का फोर्स के साथ गश्त किया जा रहा है, जिससे कोई वांछित व्यक्ति या अवांछित वस्तु न रहे। इसके अलावा रोड पर बनी पार्किंग के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा, ये जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मॉल्स हैं और जहाँ पर मार्केट है, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ है, वहाँ पर पूरे फोर्स के साथ में पैदल गश्त की जा रही है और अंदर मॉल्स के अंदर चेकिंग की जा रही है, जिससे कि कोई अवांछित वस्तु या अवांछित व्यक्ति तो नहीं है, इसकी चेकिंग की जा रही है। जो रोड पे अनावश्यक पार्किंग है उसके संबंध में लोगों को ब्रीफ किया जा रहा है और चूँकि ये अब त्यौहार लगातार है तो ये लगातार चेकिंग चलती रहेगी। जनपद में सर्दी बढ़ने के साथ ही सरकारी व निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ठंड की वजह से सांस, हार्ट, बीपी और शुगर के मरीजों की परेशानी बढ़ गई है, जिसके संबंध में जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर बी के सुमन ने बताया कि सुबह और शाम में तब तापमान में लगातार गिरावट आने से ठंड बढ़ने लगी है, जिसे तमाम तरह की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। सर्दी, जुकाम व चर्म रोग के साथ अन्य बीमारियों ने लोगों को घेरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में बीपी बढ़ने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है, वहीं बच्चों में भी निमोनिया और कोल्ड डायरिया के भी शिकार होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले अस्पताल में मरीजों की संख्या कम थी, लेकिन इन दिनों जैसे ही सर्दी बढ़ना शुरू हुई है, मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं और बदलते मौसम का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ठंड से बचने के लिए फल, साग सब्जियों को धुलकर इस्तेमाल करें, गर्म कपड़े पहने, सर को ढककर बाहर निकलें तथा गुनगुने पानी का पर्याप्त सेवन करें और लगातार व्यायाम करते रहें और संतुलित और स्वच्छ भोजन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर बी के सुमन तथा बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जी के गौरव ने कहा, काजल मत लगाइए आँख में, अभी यहाँ ठोक लगाइए। अंदर पानी कम पीते हो? अरे सब जगह लिखा है जल ही जीवन है, कहीं नहीं लिखा होता है भोजन ही जीवन है। तो पानी पियो, पानी से तुम्हारा पेट साफ होगा, नीचे से गैस निकलेगा तब मुंह नहीं छला पड़ेगा। तो इसके बदले हम नहीं पानी पियेंगे ना, इसको पीना पड़ेगा ना। हमेशा पीना है पगली को, दो दिन थोड़े पीना है। सर्दी, खांसी, बुखार, हर एकदम सही हो जाएगा।
पानी विभाग के बिहार ठंड के मौसम में अभी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड वायरल इन्फेक्शन के मरीज की ज़्यादा आ रहे हैं, साथ में दस्त के भी मरीज आ रहे हैं, गोल्ड डायरिया, सर्दी जुकाम, बुखार, ये मरीजों की संख्या पहले से बढ़ी है। और जो रेगुलर जो पेशेंट आते हैं, जो ब्लड शुगर के हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, हार्ट के मरीज हैं, किडनी के मरीज हैं, वो तो अपना रूटीन में आते रहते हैं। सर किस बीमारी ज़्यादा पसंद आ रहा है? वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी, सांस फूलना, गले में खराश, ये सब के लेकर के फीवर, जोड़ों में दर्द, दस्त, इसके मरीजों की संख्या अभी बढ़ी है। क्या उपाय है घरेलू उपाय है कि कोई भी बीमारी से बचने के लिए आपको अपने पे साफ सफाई, भीड़ भाड़ से बचना है। अभी देखिए जैसी सूचना मिल रही है कि BF.7 ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड का फिर जो है लहर, और उस तरह के 4-5 केसेज डिटेक्ट हुए हैं, और चाइना है, अर्जेंटीना है, अमेरिका है, ये सब कंट्री में ऐसे केसेज पाए गए हैं। उसको देखते हुए एहतियात के तौर पे सरकार ने उसको ये केसेज ज़्यादा न बढ़े, इसलिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए COVID-19 रूल्स को पालन करना बहुत ज़रूरी है। इस समय जैसे बताया ना कि रूटीन में हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, तो उसमें अगर पेशेंट लापरवाही करेगा तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस अटैक हो गया, हार्ट अटैक के मरीज आ जा रहे हैं, COPD के मरीज, सांस फूलने के मरीज आ रहे हैं, तो ये तो मरीज है ही है जो रूटीन में आते हैं। उसके अलावा ये केसेज बढ़ गए हैं जो वायरल से रिलेटेड, ठीक है, और इनकी जो है बचाव यही है कि आप भीड़ भाड़ से बचें, मास्क लगा कर रखें, ओवर क्राउडिंग एरिया में न जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, साबुन से हाथ धोते रहें। सर खाने पीने में क्या करना चाहिए? खाने पीने में है कि ठंड का मौसम में आप ठंड चीज़ों को प्रयोग न करिए, गर्म पेय पदार्थ लीजिए, पानी गुनगुना पीजिए, गुनगुने पानी से नहाइए, और शरीर को गुलन कपड़े से ढक के रखिए, खास करके वो लोग जो कोमॉर्बिड हैं, खास करके जो दमा के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, जो भी मरीज इस तरह के हैं, उनके लिए सुबह शाम हमेशा उलन कपड़ा पहन कर रहे हैं, दोपहर में धूप निकलता है उसमें धूप का जरूर सेवन लें, और गुनगुने पानी का सेवन करें, नहाएं, और अपने को जितना जता हो बचा कर रखें ठंड से। मैं डॉक्टर गणेश कुमार गौरव, पीडियाट्रिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, जिला अस्पताल गोरखपुर। देखिए मौसम बदलाव से ठंड में इस समय बच्चे में सर्दी, खांसी, जुकाम, पीठ में दर्द, दस्त, उल्टी, ये बढ़ गई है, साथ में पूरे शरीर पर दाना दाना हो जाना, एलर्जिक अर्टिकेरिया के केस बच्चे में बहुत अधिक बढ़ गई है। किस तरह ज़्यादा कर रहा है जी? किस तरह बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं इस समय? तो वही बच्चे सब आ रहे हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और दस्त उल्टी का बच्चा ज़्यादा आ रहा है। क्या उपाय है इसमें? बच्चे को कोल्ड एक्सपोजर से बचाना है, ठंडी से बचाना है, खाली पैर का कम कपड़े में बच्चे को बाहर नहीं निकलने देना है, गर्म कपड़ा पहनाना है, घर में बच्चे को रखना है, गर्म पानी पिलाना है, गर्म करके ठंडा करके पानी पिलाना है, क्योंकि वाटर बॉर्न इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। खाने पीने में क्या करना है? खाने पीने में ताज़ा खाना खिलावे, ज़्यादा देर बासी खाना से न खिलावे। क्रिसमस को लेकर जश्न का माहौल है। 25 दिसंबर को पूरे देश में क्रिसमस का पर्व मनाया जाएगा। इसे लेकर शहर भर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मसीही समुदाय के घरों और चर्च पर रंग बिरंगे झालरों से जगमग हो चुके हैं। आपको बता दें कि शनिवार की आधी रात को प्रभु यीशु का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, तथा सेंट जोसेफ चर्च सिविल लाइन में
मां मरियम का मंदिर आकर्षक रूप में सजाया गया है, जिसके संबंध में सेंट जोसेफ चर्च के फादर बेनी ने बताया कि क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है, जिसकी तैयारी ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा चर्च और उनके घर सजाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का एक गौशाला में जन्म हुआ था, इसी गौशाला का एक झांकी बनाई जाती है जहां पशुओं के साथ चरवाहे हैं, स्वर्गदूत एंजेल की तस्वीर बनाई गई है, साथ ही स्वर्गदूतों के बीच में बाल रूप प्रभु यीशु मसीह की झांकी एक टोकरी में रखी गई है। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर के पहले 24 दिसंबर की मध्यरात्रि 12 से 3 बजे के बीच हुआ था, इसलिए इस दिन रात के 12 बजते ही गिरजाघरों में प्रभु के आगमन की खुशी में विशेष प्रार्थना आयोजित की जाती है और 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। सेंट जोसेफ चर्च में 24 दिसंबर को जागरण पूजा हुई जो करीब 2 घंटे चली और उसमें सारे चर्च के मेंबर और सारे विश्वासी आते हैं, प्रेयर करते हैं, ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर एक दूसरे को बधाइयां देते हैं और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पर सुबह 8:30 बजे पूजा होती है और पूजा के बाद एक दूसरे को बधाइयां देकर अपने अपने घर लौट जाते हैं और पूरे दिन क्रिसमस केक एक दूसरे को देने के लिए और ग्रीटिंग एक्सचेंज करने के लिए लोग आते जाते रहते हैं। क्रिसमस प्रभु ईसा मसीह का जन्म दिवस है जो कि एक अमन शांति का त्यौहार है, एक प्रेम का त्यौहार है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह का जन्म का लक्ष्य इस दुनिया में शांति स्थापित करना, एक दूसरे के प्रति भाईचारे के साथ रहना और उनके साथ स्नेह प्रेम का संदेश बांटना है और संदेश को अपने जीवन में उतारकर उसे दूसरों के साथ बांटते हैं, वहीं खुशी का एक दूसरे के साथ बांटकर ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट जोसेफ चर्च के फादर बेनी ने कहा, प्रभु ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है और इसकी तैयारी में सारे ईसाई लोग और उनके चर्च सजाए जाते हैं और प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में उनकी यादगारी में जहां उनकी जन्म हुआ था एक गौशाला में, उसी गौशाला का एक झांकी बनाया जाता है और ये क्रिसमस के त्यौहार में यही मेन होता है और उसके साथ साथ 24 को रात को जागरण पूजा होती है और हमारे सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल में ये जागरण पूजा आज रात को 9:30 बजे प्रारंभ होगी, ये करीब 2 घंटे चलेगा और इसमें सारे चर्च के मेंबर्स, सारे विश्वासीगण आते हैं, प्रेयर करते हैं, ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर एक दूसरे को बधाइयां देते हैं और 25 तारीख क्रिसमस डे है, क्रिसमस डे पर सुबह पूजा होती है 8:30 बजे, उसमें भी जो रात को विश्वासीगण नहीं आ पाते हैं वे उपस्थित रहते हैं और पूजा के बाद एक दूसरे को बधाइयां दे करके अपने अपने घर लौट जाते हैं और पूरे दिन में वे क्रिसमस के बधाइयां एक दूसरे को देने के लिए, ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करने के लिए लोग आते जाते रहते हैं और क्रिसमस प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिवस है, ये एक अमन शांति का त्यौहार है, एक प्रेम का त्यौहार है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह का जन्म का लक्ष्य इस दुनिया में शांति स्थापित करना, एक दूसरे के प्रति भाईचारे के साथ रहना और उनके साथ स्नेह का, प्रेम का एक संदेश बांटना है और उसी संदेश को हम लोग अपने जीवन में उतार कर उसे एक दूसरे के साथ बांटते हैं
वही खुशी हम एक दूसरे के साथ बांटकर ईसा मसीह का जन्म का त्यौहार मनाते हैं। संदेश चाहेंगे सब लोगों को? मैं गोरखपुर निवासियों को क्रिसमस के पावन अवसर पर अमन शांति का, स्नेह का, भाईचारे का, इंसानियत का संदेश देना चाहता हूं और आप सबों को गोरखपुर के सभी लोगों को सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल के तरफ से, सेंट जोसेफ स्कूल के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी क्रिसमस और आगामी नए साल के भी मुबारकबाद देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में दो दिवसीय राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष एवं महिला एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 18 मंडलों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन सिविल लाइन स्थित रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर विभ्राट चंद कौशिक ने दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण करके खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर तथा गुब्बारा उड़ाकर खेल प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया, जिसके संबंध में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष पर सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप महिला और पुरुष का प्रतियोगिता किया गया। इस प्रतियोगिता में 32 खेल खेले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उनका कहना है कि इस प्रतियोगिता में कुल 18 मंडल की टीमें आई हैं। लगभग पुरुष और महिला वर्ग में 600 खिलाड़ी भाग लिए हैं। इस अवसर पर विनोद सिंह, चंद्रविजय सिंह, एनडी सोलंकी, अच्युतानंद राय, मोहम्मद राशिद, रविंद्र सिंह, जवाहर प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने कहा, इसके अलावा बस्ती देवी पाटन मंडल है। ताली तो बजाइए आप लोग। दो बंच होंगे सर, उधर गोरखपुर आयोजित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष एवं महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। एक हमारे गोरखपुर के खिलाड़ी आए सब अगर आज गोरखपुर में इतिहास रचना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन होगा इस बार आवाज आप तक पहुंच गई तो आप दौड़ के आए यहाँ गंगा जी स्टैंड के फिनिशिंग पॉइंट पे। सोचता हूँ कौन है बेटी, बेटी सदा मेहमान होती है। दीपिका है ये घर की, घर की ये पैर। बहुत ही बढ़िया भाई, पहले चक्र को पार करने के करीब है। ऐसे जारी रखें अपना काम और रफ्तार बढ़ाएं अपनी। वक्त से लड़कर यहाँ पर एक और दो में जंग जारी है। पीछे खड़े जाओ, पीछे खड़े जाओ, पीछे खड़े जाओ।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इवेंट्स यहाँ हो रहे हैं। आज इसका उद्घाटन हुआ है अभी और इसमें करीब 32 इवेंट्स जो हैं वो संपादित होंगे और कल इसका समापन होगा। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले जो विजेता खिलाड़ी हैं उनको नकद पुरस्कार दिया जाएगा। तो 1,000 रुपया फर्स्ट को है और 800 रुपया सेकंड को और 600 रुपया थर्ड को। इस प्रकार से नकद पुरस्कार की प्रतियोगिता है, ये अपने आप में एक इसी प्रतियोगिता की विशेष ग्रेस है कि जिसमें नकद पुरस्कार दिया जाता है, सीधे उनके जो इनाम की धनराशि है उनके सीधे अकाउंट में जाती है। और ये 2 दिन प्रतियोगिता चलेगी। इसमें सीनियर वर्ग में है तो बहुत अच्छे एथलीट्स आए हुए हैं, पूरे 18 मंडल की टीम, लगभग करीब 600 खिलाड़ी पुरुष और महिला वर्ग में यहाँ आए हैं और ये 2 दिन तक अपने इस खेलों में अपने इवेंट्स का कौशल दिखाएंगे और जो अच्छा परफॉर्म करेंगे वो मेडल लेंगे और उनको प्राइज मिलेगा। खेल विभाग द्वारा इन सभी को प्राइज देकर सम्मानित किया जाएगा। सर कल का समापन कैसे? कल समापन 2 बजे है। जो बच्चे मेडल लिए हैं उनको डमी चेक के द्वारा उनको सम्मान कराया जाएगा, बाकी जो है उनकी धनराशि है वो सीधे उनके अकाउंट में भेजी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर में कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए पुराने कलेक्ट्रेट में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम को किया गया स्थापित। 24 घंटे कर्मचारी कर रहे हैं ड्यूटी। 17 ऑक्सीजन प्लांट है क्रियाशील। हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए है तैयार। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। गोरखपुर जिला जेल का जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी और जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने संयुक्त रूप से किया निरीक्षण। जेल में बंद बंदियों की जानी समस्या। जेल के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में शाहपुर थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी फरियाद। पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर मौके का निरीक्षण कर समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। अवैध देसी तमंचे से फायर कर हत्या का प्रयास करने के आरोप में 2 अभियुक्तों अजीत सिंह व संजय सिंह को बेलघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक फायर शुदा कारतूस को किया बरामद, भेजा जेल। रविवार को क्रिसमस की तैयारियों को लेकर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह व एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने चर्च के फादरों के साथ की बैठक। जाना उनकी समस्या। नगर निगम के अधिकारियों को सभी चर्चों का साफ सफाई के दिए निर्देश। भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन मॉरिसस की चेयरमैन एवं मॉरिसस के पूर्व उप प्रधानमंत्री हरीश बुधू की पत्नी डॉक्टर सरिता बुधू ने किया बाबा गोरखनाथ का दर्शन पूजन। कहा गोरखनाथ जी का दर्शन कर उन्हें मिलती है बहुत ऊर्जा। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में एसजेपीयू और एएसटीयू की मासिक समीक्षा बैठक हुई संपन्न। एसपी क्राइम ने कहा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा जारी विभिन्न एसओपी पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर उसे पालन करने के दिए दिशा निर्देश। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कैंट पुलिस के साथ सचिव मॉल सहित महानगर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का किया निरीक्षण। लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। सर्दी बढ़ने के साथ ही सरकारी व निजी अस्पतालों में बढ़ने लगी है मरीजों की संख्या। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा जहां ठंड के मौसम में बीपी बढ़ने की वजह से बढ़ गया है ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, वहीं बच्चे भी निमोनिया और कोल्ड डायरिया के होने लगे हैं शिकार। क्रिसमस को लेकर है जश्न का माहौल। 25 दिसंबर को पूरे देश में मनाया जाएगा क्रिसमस का पर्व। सेंट जोसेफ चर्च के फादर बेनी ने कहा 24 दिसंबर की रात के 12 बजते ही गिरजाघरों में प्रभु के आगमन की खुशी में की जाती है विशेष प्रार्थना का आयोजन। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष एवं महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने कहा प्रदेश के सभी 18 मंडलों की टीमों के 600 खिलाड़ी कर रहे हैं प्रतिभाग। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।